हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और इसमें आपका आज थर्ड टॉपिक है। पिछले दो टॉपिक्स में को हमने तीन लेक्चर में कवर अप किया था, तो अभी आपके फोर्थ लेक्चर में आपको विज्ञापन एक उद्योग के बारे में बताएंगे। विज्ञापन एक उद्योग मतलब कि यहाँ पे व्यापार की बात नहीं हो रही है, कोई व्यवसाय की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन एक उद्योग मतलब कि विज्ञापन एक उद्योग कैसे है, क्यों है, विज्ञापन को एक उद्योग भी क्यों कहा गया है, ये सिर्फ इसमें यही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उद्योग क्या होता है, इंडस्ट्री। तो अभी ये है कि एक तो आपकी फैक्ट्री होती है, एक कंपनी होती है और एक इंडस्ट्री होती है जो कि आपका ये उद्योग हो गया मैन्युफैक्चर, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि फैक्ट्री और कंपनी में एक डिफरेंस है, तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आप इन तीनों चीज़ों को एक नहीं कह सकते। जब कभी हम कुछ स्पीच करते हैं तो कई बार हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, इट्स ओके। बट क्या होता है कि इन तीनों ही चीज़ों का मीनिंग अलग है। उद्योग मतलब कि सारा विज्ञापन का जो भी, विज्ञापन से जुड़ा जो भी कार्य है, ऑल ओवर उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ उद्योग के अंदर आ गया। उनमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितना भी कंपनीज हैं जो विज्ञापन के लिए मतलब विज्ञापन के लिए काम करती है, विज्ञापन बनाने के लिए, तो वो ऑल ओवर आपका किस में आ गया, उद्योग में आ गया। तो यहाँ पे फैक्ट्री और कंपनी का अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस जाने तो वो ये है कि फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति और मशीनें माल के उत्पादन में लगी हैं, जैसे विजाग स्टील फैक्ट्री। ठीक है, तो एक विजाग स्टील फैक्ट्री है, वो उसमें उसके बारे में ये एग्जांपल दे रहे हैं और कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, जबकि कंपनी एक कानूनी संस्था है जो व्यावसायिक गतिविधियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, जैसे बिरला सीमेंट कंपनी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ बताई है, ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो कंपनियां होती हैं वो कानूनी तौर पे एक परमिशन लेके स्टार्ट की जाती हैं, और उनका जो मोटिव होता है उसको कंपनी को शुरू करने का, विज्ञापन की बात हो रही है सिर्फ, आप विज्ञापन को सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि विज्ञापन के लिए कह रहे हैं। तो कंपनी का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि एक कंपनी का नाम है जो ग्राहक के मन में बैठ जाता है कि हाँ हम कंपनी की चीज़ें ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं। और अगर स्टार्टिंग में या हमेशा ही, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर स्टार्टिंग में भी वो कंपनी हमें अच्छा माल प्रोवाइड कर रही है, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो एक बार नाम माइंड में सेट हो गया कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, तो उसके बाद अगर उस कंपनी के द्वारा कोई थोड़ी कम मात्रा का अच्छा प्रोडक्ट या कोई भी माल है, तो भी वो हमें, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो उस कंपनी का है, तो वो हमें भ्रमित रखेगा कि हाँ ये उस कंपनी का है तो ये अच्छा ही है, ये ख़राब हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरीके की एक थिंक उपभोक्ता के मन में आ जाती है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक भ्रमित करने का उद्देश्य से स्थापित की जाती है, है ना। लेकिन फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री वो चाहे कंपनी वालों की फैक्ट्री हो या फैक्ट्रियाँ हों जो कि अलग से भी फैक्ट्री ही बनाते हैं, फैक्ट्री ही होती हैं, और उनमें जो माल बनता है वो अपना व्यवसाय माध्यम से प्रोवाइड होता है, है ना। तो ये सब थोड़े से डिफरेंस हैं फैक्ट्री, कंपनी और उद्योग के। जैसे कि अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं उद्योग का मीनिंग समझाऊं, तो जैसे कि एक तो आप जैसे ये आपका जितना भी टीवी में पब्लिक आता है आपका छोटी स्क्रीन पे या बड़ी स्क्रीन पे, तो मेनली इसको क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री। तो क्यों कहते हैं, उस फिल्म इंडस्ट्री का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, ऑल ओवर सारे प्रोडक्शन आ जाते हैं, राजश्री प्रोडक्शन, है ना,
तो ये जितने भी संजय लीला का जो एक प्रोडक्शन है, मतलब ये सारे जितने ऑल ओवर प्रोडक्शंस होते हैं ये क्या जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब हम वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये सारे ही आ जाता है। इसी तरीके से जब हम विज्ञापन की ये बात कर रहे हैं तो उद्योग का मतलब ये है कि उसमें सारी ही आपकी फैक्ट्री आ गई हैं, तो सारी मतलब जितने भी माध्यम हैं विज्ञापन को बनाने के वो सब इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया था आपका, आपको समझाना कि उद्योग क्या है ना। कि आप मापी ये मत लिख देना कि अगर आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओ तो कभी आप उद्योग को लिख दो फैक्ट्री। नहीं, उद्योग सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, उद्योग में बहुत सारी फैक्ट्री आती हैं एंड ऑल ओवर फैक्ट्री आती हैं। अगर बात किसी भी चीज़ के बारे में हो रही है, यहाँ तो विज्ञापन के बारे में हो रही है ना। तो इसमें आपका है उद्योग, विज्ञापन एक उद्योग, तो यहाँ पे बता रहे हैं उद्योग के लिए मशीनें, पूंजी, कच्चा माल, श्रमिक शक्ति और उत्पादन आवश्यक माने जाते हैं, जो विज्ञापन के लिए भी आवश्यक होते हैं। अब ये इन्होंने आपको बताया है कि उद्योग के लिए या किसी भी फैक्ट्री के लिए या उद्योग के जितने भी माध्यम हैं विज्ञापन के लिए, लेकिन विज्ञापन को दिमाग से नहीं निकालना है कि सिर्फ हम विज्ञापन की बात कर रहे हैं। विज्ञापन में उद्योग की उद्योग में विज्ञापन उद्योग में जितने भी माध्यम हैं, जितनी भी फैक्ट्री है या कुछ कोई भी कोई छोटे लेवल पे भी काम कर रहा है, उसकी फैक्ट्री नहीं है बट वो माल बना रहा है, तो उसको भी वो भी उसी के अंदर आ जाता है ना। तो उसमें मेन जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, मशीनें। सबसे पहले जो चाहिए होती है मशीनें। मशीनें क्या होती है, मशीनें होती है कोई यंत्र, इंजन है ना, जो रिसाइकल करता है, कोई मोटर है ना, तो जिसके द्वारा हम सामान को बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, है ना। पूंजी, पूंजी तो मेन होती है, पूंजी का मतलब आप समझते ही हैं, पैसा, वित्त है ना, रकम। पूंजी के बिना आप माल कैसे लाओगे, उससे मतलब जो भी आपको जिस भी प्रोडक्ट के लिए या जिन भी प्रोडक्ट्स के लिए आपको अपनी फैक्ट्री चलानी है या उसकी फैक्ट्री में आपको अपना सामान बनाना है, उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या होती है, पैसा ही आपको चाहिए होता है। फिर आता है आपका कच्चा माल। कच्चा माल ये किसको कह रहे हैं, रॉ मटेरियल, मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो कच्चा माल होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम चीनी चीनी बना रहे हैं तो चीनी में हमें सबसे पहले जो चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, गन्ना है ना। तो और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़े में सबसे पहली चीज़ है जो ज़रूरी है वो क्या है, रुई है ना। तो इस तरीके से वो सब क्या होते हैं, कच्चा माल होते हैं, कोयला, गन्ना और रुई हो गई, तो ये सारा इस तरीके की सारी चीज़ें कच्चा माल होते हैं जो कुदरती हमें प्राप्त होते हैं है ना, जिसको कोई मनुष्य नहीं बनाता है, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी या कोई भी शक्ति नहीं बनाती है, केवल ईश्वर ही उनको आपको प्रदान करते हैं है ना। तो अब ये आपका कच्चे माल में आ जाता है। तो उसके बाद फिर आता है आपका श्रमिक शक्ति। देखिए ये महत्वपूर्ण वर्ड है जो आपको शायद अब तक का नहीं पता होगा कि ये श्रमिक शक्ति किसको कह रहे हैं। श्रमिक शक्ति क्या होता है, श्रमिक शक्ति होती है 15 साल से लेकर 65 यानी कि 65 वर्ष तक के व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब कि फैक्ट्री में मोस्टली या किसी भी उद्योग के जितने भी माध्यम हैं उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन लोग होते हैं, जिनकी आयु 15 से 65 होती है। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, मतलब कि मेहनत करने का कह लीजिए या एनर्जी ज़्यादा कह लीजिए उनकी, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनमें काम करने की शक्ति ज़्यादा होती है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे श्रमिक शक्ति की बात करी है। हाँ, एज ए हेल्पर आप किसी बड़े व्यक्ति को रख सकते हैं जो 65 से अबव है, बट क्या होता है कि कार्य करने के लिए उनके हिसाब से, विज्ञापन उद्योगों के हिसाब से
यही आयु के लोग सफिशेंट है ना। तो आगे आता है, और उत्पादन आवश्यक माने जाते हैं। हाँ, उत्पादन तो आपके आवश्यक माने ही जाते हैं कि वही फैक्ट्री वगैरह है ना, वो ये फैक्ट्री में आ गए, कंपनी में आ गए, कंपनी को भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक नाम ज़रूर है, लेकिन अगर वो काम करते हैं तो उन वो भी किसी न किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो अदर फैक्ट्रियों से या माल लेती हैं और अपनी कंपनी का टैग लगा के उस पर उसको अपनी कंपनी का नाम दे के सेल करती हैं। बट कुछ कंपनियों की खुद की फैक्ट्रियाँ भी होती हैं। तो वही चीज़ है इसमें कि उत्पादन आवश्यक माने जाते हैं, जो विज्ञापन के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, विज्ञापन उन्हीं के तो माध्यम से हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो विज्ञापन के लिए भी आवश्यक है। तो आगे है आपका, विज्ञापन निर्माण एक एवं उसके प्रसारण की प्रक्रिया में भी अभिनन प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है। तो अब ये विज्ञापन के बारे में कह रहे हैं कि जब हम किसी विज्ञापन को बनाएंगे या बनाने जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें, मतलब किसी भी हम विज्ञापन का निर्माण कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, हमें कोई विज्ञापन का थॉट आया है माइंड में, तो उसके लिए एवं उसके प्रसारण, मतलब किसी विज्ञापन को बनाने के लिए और उसके प्रसारण के लिए, मतलब उसको फैलाने के लिए, उसका संचार करने के लिए, प्रसारण की प्रक्रिया में भी विभिन्न प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है। देखिए, जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो अब तो आप सभी जानते हैं, आपका इवन शायद, अच्छा, आप लोगों का ट्रिप नहीं गया था, सेकेंड थर्ड ईयर का गया था, बट क्या होता है कि विज्ञापन बनाने के लिए बहुत सारी मशीनों का योगदान होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो उसी के बारे में ये लोग जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आपका आता है, पूंजी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की मशीनों के प्रयोग से विज्ञापन विधा से जुड़े अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञों द्वारा विज्ञापन का निर्माण एवं, यहाँ पे ये लिखा है, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है बुक की लैंग्वेज में, ये आई थिंक पूर्ण उत्पादन है ना, और इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रतिरूप बनाना किया जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि पूंजी के साथ साथ, मतलब पैसा तो चाहिए ही होता है, और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की मशीनें, मतलब विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग रहता है उसमें। एक विज्ञापन के लिए पूंजी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हुए है ना, विज्ञापन विधा से जुड़े, मतलब विधा मतलब, तो यहाँ पे विधा का मतलब है रीति, ढंग, प्रकार, है ना, भांति, मतलब विज्ञापन से जुड़े, विधा से जुड़े अलग अलग विधाओं के। अब यहाँ पे विधा के बाद विधाओं किसको कह दिया, विधाओं वो हो गए जो रीति प्रकार, मतलब जो एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, कि जो पहले से ही मतलब उस कार्य को कर रहे होते हैं, है ना, जो विज्ञापन के तरीकों को जानते हैं, है ना, विधाओं के विशेषज्ञों की बात हो रही है ये, और विधाओं आपको हो गया जितने भी, मतलब कि इन्होंने एक एक वर्ड में कहने के बजाय उसको बहुत सारों में ला दिया है, कि जितने भी तरीके हैं, सभी तरीके, विधाओं के विशेषज्ञ कौन होंगे, जो स्पेशल लोग, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, माहिर होते हैं अपने कार्य को करने में, द्वारा विज्ञापन का निर्माण एवं प्रतिरूप बनाना किया प्रतिरूप किया जाता है ना। प्रतिरूप मतलब चित्रण, चित्र भी बनाए जाते हैं ना विज्ञापन। एक तो ऑडियो विज्ञापन भी होता है आपका, जो कि रेडियो के द्वारा सुनाया जाता है ना, उसमें कुछ इस तरीके की यूज़ की जाती है, टेक्निक यूज़ की जाती है कि आपको सुनकर ही विज्ञापन समझ में आ जाए, है ना। उसमें एक्सप्लेन इस तरीके की बातों को किया जाता है कि आपको विज्ञापन के बारे में केवल सुनकर ही समझ में आ जाए। और और बाकी सब आ जाता है आपका चित्रण में, जिसमें आपको बनाने होते हैं, पोस्टर्स हो गए, जो आपको वर्क कराया जाता है ना। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं, किया जाता है। इस आधार पर विज्ञापन को एक उद्योग कहा
जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए इसको एक उद्योग कहा है कि ये एक छोटा सा फील्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उद्योग है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो इसलिए इन्होंने उसको डिफाइन किया है आपको कि हम इसको एक उद्योग भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके 5th लेक्चर में हम लोग विज्ञापन एक विज्ञान है ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।